नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रिम पंक्ति के कोविड कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। 2 से 3 महीनों में 1 लाख कोविड योद्वाओं को 6 विशेष कोर्स में प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार सभी को कोविड वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा 21 जून से टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाएगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.03% हुई। लगातार 36वें दिन दैनिक स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक रही। देश में अब तक 26.89 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। झारखंड में कई मरीजों में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन तपेदिक मुक्त भारत 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सरकार का लक्ष्य 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। ईरान में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में बारिश के कारण देरी और जापान की नाओमी ओसाका इस वर्ष विंबलडन में नहीं खेलेंगी लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगी। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसका नंबर है 0112397804 और 1075। अरब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार हर व्यक्ति को मुफ्त कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 21 जून से टीकाकरण क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। कोरोना वायरस के स्वरूप बदलने और इस संक्रामक रोग से निपटने में देश की क्षमता का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से देश में चिकित्सा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये उसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने देश में वायरस के बदलते स्वरूप के कारण बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए चिकित्सा का मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा नेटवर्क आज भारत में बना है वो काम अब भी चल रहा है और वो इसी का परिणाम है। आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक भी वेंटिलेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने का भी तेज गति से प्रयास किया जा रहा है। 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने का एक भगीरथ प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए लाखों युवाओं की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड-19 का मुकाबला करने में तैनात अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। आज 6 नए कस्टमाइज कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए
युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अप स्किलिंग भी होगी। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में 1,00,000 से अधिक कोरोना योद्धाओं के कौशल और क्षमता को बढ़ाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में से वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप गैर चिकित्सा देखभाल कार्यकर्ताओं को कुशल बनाया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं का विशाल पूल बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के बीच एक स्किल्ड मैनपावर का बड़ा पूल होना, उस पूल में नए लोग जुड़ते रहना, ये भी उतना ही जरूरी है। इसी को देखते हुए कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1,00,000 युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के साथ ही कोरोना वायरस के खिलाफ महत्वपूर्ण अभियान का अगला चरण शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश के 1,00,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों के कौशल, पुनः कौशल तथा इसे और बेहतर बनाने के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल का विस्तार करना समय की जरूरत है और इसके लिए प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव की आवश्यकता है। स्किल, रीस्किल और अपस्किल, ये मंत्र कितना महत्वपूर्ण है ये कोरोना काल ने फिर सिद्ध किया है। हेल्थ सेक्टर के लोग स्किल तो है थे ही, उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए बहुत कुछ नया सीखा भी, यानी एक तरह से उन्होंने खुद को रिस्किल किया। इसके साथ ही उनमें जो स्किल पहले थी उसका भी उन्होंने विस्तार किया। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्किल को अपग्रेड या वैल्यू एडिशन करना, ये अपस्किलिंग है और समय की यही मांग है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य कर रहे आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के काम की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने संक्रमण से रोकथाम के लिए टीकाकरण के कार्य में अहम योगदान किया है। हमारे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और गांव गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम की स्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, ये साथी एक एक देशवासी के सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। 21 जून से देश में टीकाकरण अभियान का विस्तार हो रहा है, उसे भी हमारे ये सारे साथी बहुत ताकत दे रहे हैं, बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड मरीजों की संख्या 7,98,656 रह गई है। 73 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 8,00,000 से नीचे आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 62,480 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी दौरान 88,977 रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में अब तक 2,85,80,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 96.03% हो गई है। आज लगातार 36वें दिन दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या स्वस्थ होने वालों की संख्या से कम रही।
साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से कम होकर 3.8% पर आ गई है। दैनिक संक्रमण दर 3.24% रह गई है, जो लगातार 11वें दिन 5% से कम बनी हुई है। कल एक दिन में 1,587 रोगियों की मृत्यु हुई, इसके साथ ही मृतकों की संख्या 3,83,000 से अधिक हो गई है। जांच क्षमता बढ़ाई जा रही है, अब तक 38,71,00,000 जांच की जा चुकी हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के दौरान अब तक 26,89,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 2,58,00,000 से अधिक कोविड टीके मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 27,90,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। अगले 3 दिन में 19,95,000 टीके देने का आश्वासन दिया गया है। कोविड महामारी से लड़ाई में टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। देश में कोविड 19 टीकाकरण का तीसरा चरण पहले ही शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क टीके उपलब्ध कराने में सहयोग कर रही है तथा उन्हें टीकों की सीधे खरीद की सुविधा प्रदान कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुवाहाटी के सारुसजाई में 300 बिस्तरों वाले कोविड केयर अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्थापित किया है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने DRDO के कार्य की सराहना की। झारखंड में कई मरीजों की कोविड जांच के नमूनों में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से राज्य में कोविड महामारी की तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। कोविड जांच के दौरान एकत्र किए गए नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ISL भुवनेश्वर भेजा गया था। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से झारखंड को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन उपलब्ध कराने को कहा है ताकि कोरोना वायरस के बदले हुए स्वरूप की जल्द पहचान की जा सके। वर्तमान में इसकी रिपोर्ट मिलने में 30 दिन का समय लगता है। राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ मनोज कुमार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ISL भुवनेश्वर से रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की संक्रमण दर का पता लगाया जा सकेगा। डॉ कुमार ने कहा कि वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश में कोविड के 145 नए मामले सामने आए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सक्रिय मामलों की दर घटकर 0.1% रह गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,984 हो गई है, जबकि 404 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य के 51 जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर घटकर 1% से भी कम हो गई है। केवल भोपाल जिले में यह 1.1% है। 22 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं राज्य के भिंड और बुरहानपुर जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। दोनों ही जिलों में एक भी नया और सक्रिय मामला नहीं है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने दोहराया है कि टीकाकरण देश की अर्थव्यवस्था को फिर से सुधार के पथ पर ले जाने में सहायता करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त लचीलापन और मजबूती है, जिससे वह महामारी से निकलकर विकास के मार्ग पर लौटने में सक्षम है। अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में लेख में केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था का पटरी पर आना व्यापार में निवेश और उत्पादकता में वृद्धि की मजबूत नींव पर आधारित हो। रिजर्व बैंक ने अनुमान व्यक्त किया है कि स्थायित्व संबंधी विभिन्न चुनौतियों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने वाले डिजिटल प्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल साइंस और प्रौद्योगिकी से आने वाले दशक में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने अनुमान व्यक्त किया है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर से वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 2,00,000 करोड़ रुपये का समेकित घाटा होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है स्वस्थ बने रहने के लिए योग। कोविड महामारी ने विश्वभर के लोगों के जीवन और उनके रोजगार को प्रभावित किया है। ऐसे समय में समग्र रूप से लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता ने महामारी के समय में योग का महत्व रेखांकित किया है।
महामारी के इस दौर में स्वस्थ रहने के लिए लोग योग का सहारा ले रहे हैं। योग अभ्यास करने से सुरक्षित दूरी और तनाव जैसी स्थिति से निपटने में भी मदद मिलती है। कुछ योगासन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और संतुलित करने में भी सहायक हैं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत से लोगों ने श्वसन क्रियाएं करनी शुरू कर दी हैं। लोग अब ये मानने लगे हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया भर के देशों ने योग से होने वाले संभावित फायदों को पहचाना है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से गौरव राघव। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 1456। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 1443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रिम पंक्ति के कोविड कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। 2 से 3 महीनों में 1,00,000 कोविड योद्धाओं को 6 विशेष कोर्स में प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार सभी को कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा 21 जून से टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाएगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.03% हुई। लगातार 36वें दिन दैनिक स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक रही। देश में अब तक 26,89,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। झारखंड में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट कई मरीजों में मिला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन तपेदिक मुक्त भारत 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सरकार का लक्ष्य 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। ईरान में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में बारिश के कारण देरी और जापान की नाओमी ओसाका इस वर्ष विंबलडन में नहीं खेलेंगी लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत को क्षय रोग से मुक्त करने का प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य 2025 तक हासिल कर लिया जाएगा। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए विभिन्न स्रोतों से स्वैच्छिक धन जुटाने के मुद्दे पर कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि क्षय रोग को भी पोलियो की ही तरह अभियान चलाकर दूर किया जाएगा। जिस प्रकार से भारत ने चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त किया उसी प्रकार से हम दुनिया के 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले अपने प्रधानमंत्री के आह्वान पर 2025 तक पूरे देश से टीबी जैसी बीमारी को भी एलिमिनेट करना चाहते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में जटिल बीमारियों के निदान और उपचार के लिए अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने का अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ने 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने के प्रति अभूतपूर्व राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत ने स्थायी विकास लक्ष्यों के लिए तय समय सीमा 2030 से 5 वर्ष पहले ही ये लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है। उन्होंने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर प्रयासों के जरिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान में अधिक योगदान करने के लिए भी कंपनियों को प्रेरित किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल कहा कि सरकार का लक्ष्य 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को मौजूदा आंकड़ों की तुलना में 50% तक कम करना है।
फिक्की द्वारा सड़कों पर मौत को रोकने में कॉरपोरेट्स की भूमिका पर आयोजित वर्चुअल सत्र को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने सड़क सुरक्षा संघ सफर की घोषणा और कॉरपोरेट जगत के लिए सड़क सुरक्षा पर एक श्वेत पत्र के विमोचन की घोषणा पर फिक्की को बधाई दी। उन्होंने हर राज्य, जिले और शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान करने पर जोर दिया। श्री गडकरी ने कहा कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक पहले ही एक योजना मंजूर कर चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2019 पर आधारित एक मानचित्रावली जारी की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे ने ये मानचित्रावली जारी की। इस मानचित्रावली में 2019 के आम चुनाव से जुड़े सभी सांख्यिकी आंकड़े शामिल किए गए हैं। इसमें 42 मानचित्र और 90 तालिकाओं के जरिए चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। मानचित्रावली चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और उपाख्यानों के बारे में बताती है। ये मानचित्रावली एक सूचनाप्रद और व्याख्यात्मक दस्तावेज है जो भारतीय चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए पाठकों को रुझानों और बदलावों के बारे में विश्लेषण करने का अवसर देती है। एक रिपोर्ट। वर्ष 2019 में हुए 17वें आम चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। इसमें 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी देखी गई। चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2019 में देश भर में 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए थे। एटलस उन 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव से जुड़े उन पहलुओं को सामने लाता है जहां महिलाओं द्वारा किया गया मतदान प्रतिशत पुरुषों के मतदान प्रतिशत से अधिक था। 2019 के आम चुनाव में भारतीय चुनाव के इतिहास में सबसे कम लैंगिक अंतर देखा गया। मतदाता लिंग अनुपात, जिसने 1971 से सकारात्मक रुझान दिखाया है, 2019 के आम चुनाव में 926 था। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ईरान में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। जनमत सर्वेक्षणों में न्यायपालिका के प्रमुख इब्राहिम रईसी मतदाताओं की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। केंद्रीय बैंक के पूर्व गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्माती उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने आज सुबह तेहरान में वोट डाला और लोगों से मतदान करने की अपील की। असंतुष्टों और कुछ सुधारवादियों ने चुनावों के बहिष्कार का आह्वान किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। साउथहैम्पटन में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का फाइनल अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। वर्षा के कारण टॉस में देरी हुई, पहले दिन खेल का प्रारंभिक सत्र नहीं होगा। मैच से संबंधित अधिकारी मैदान का निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि इस समय बूंदाबांदी हो रही है। इस मैच का सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स चैनल 1 करेगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो, स्थानीय FM रेडियो स्टेशन, डिजिटल रेडियो ट्रांसमीटरों और अतिरिक्त FM ट्रांसमीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। ये DD फ्री डिश के DTS सैटेलाइट रेडियो पर भी उपलब्ध रहेगा। जापान की नाओमी ओसाका इस वर्ष विंबलडन में नहीं खेलेंगी, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने की उनकी योजना है। दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी ने कहा है कि वो टोक्यो में घरेलू प्रशंसकों की उपस्थिति में खेलने के लिए उत्साहित हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब 36 दिन शेष हैं। आकाशवाणी से जारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 69 किलोग्राम भार वर्ग के शीर्ष भारतीय मुक्केबाज विकास कृष्णन की। बॉक्सिंग मेरे फादर की एक चॉइस थी कि वो चाहते थे कि मैं स्ट्रांग बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में डाला था 2001-2002 में। और जब मैं सोचने के लायक हुआ तो जब ये मेरा ड्रीम हो चुका था ताकि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। सुबह शाम मेरे दिमाग में सिर्फ एक यही लाइन है, मुझे ओलंपिक जीतना है। विकास का जन्म हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1992 को हुआ था। वो भारत के शीर्ष मुक्केबाज हैं और उन्हें एक दशक से ज्यादा खेलने का अनुभव है। वर्ष 2010 में अपने करियर की शुरुआत में विकास उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण और यूथ ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इससे पहले उन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था। वर्ष 2011 में विकास ने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया और पहली बार 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आधुनिक जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक डॉ केनेथ कोंडा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने कहा कि उन्हें 2018 में डॉ कोंडा से मिलने का सौभाग्य मिला था। उन्होंने अफ्रीकी नेता और गांधीवादी बताते हुए कहा कि डॉ कोंडा का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। विज्ञान विषय में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला प्रोफेसर कमला सोहोनी की आज जयंती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट में उन्हें याद किया। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज 18 जून है और आज ऐसी तीन हस्तियों की पुण्यतिथि है जिन्होंने तीन अलग अलग क्षेत्रों में अपना ऐसा स्थान बनाया जिनके लिए आज उन्हें पूरे सम्मान से याद किया जाता है। ये हैं हिंदी के जाने माने साहित्यकार और राजनेता सेठ गोविंद दास, भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार नसीम बानो और भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और सरोद वादक अली अकबर खान साहब। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक सेठ गोविंद दास का जन्म 16 अक्टूबर 1896 को जबलपुर के एक व्यापारी परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। सेठ गोविंद दास महात्मा गांधी के निकट सहयोगी माने जाते थे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें 8 महीने के लिए दमोह जेल में डाल दिया। जेल में उन्होंने सामाजिक, पौराणिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि के 4 नाटक लिखे जिनके नाम थे प्रकाश, कर्तव्य, नवरस और स्पर्धा। आजादी के बाद वे संसद के लिए चुने गए। भारत सरकार ने 1961 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। और अब बात करते हैं भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार नसीम बानो की। 4 जुलाई 1916 को जन्मी नसीम को बाद में ब्यूटी क्वीन के नाम से भी जाना गया। सोहराब मोदी के साथ उनकी पहली फिल्म खून का खून 1935 में आई थी। 1939 में सोहराब मोदी की फिल्म पुकार में उन्हें महारानी नूरजहां की भूमिका निभाई। उस समय वे चोटी की अदाकारा मानी जाती थी। नसीम बानो ने 1930 के दशक से 1950 के दशक तक फिल्मों में काम किया। और अब बात करते हैं उस्ताद अली अकबर खान साहब की। खान साहब मेहर घराने के भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और सरोद वादक थे। उनके विश्वव्यापी संगीत प्रस्तुतियों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा सरोद वादन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अली अकबर खान का जन्म 14 अप्रैल 1922 को बांग्लादेश में हुआ था। इन्होंने अपनी गायन तथा वादन की शिक्षा अपने पिता, चाचा और उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से ली। इन्होंने कई साजों में महारत हासिल की थी, लेकिन बाद में इन्होंने निश्चय किया कि इन्हें सरोद पर ही ध्यान देना चाहिए। इन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति लगभग 13 वर्ष की उम्र में दी और 22 साल की उम्र में वे जोधपुर राज्य के दरबारी संगीतकार बन गए। 1955 में वे अमेरिका के टेलीविजन अलिस्टेर कुक के ऑमनीबस में प्रस्तुति देने वाले पहले भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ बने। उन्होंने देश विदेश में संगीत के कई विद्यालयों की स्थापना की। खान साहब को 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1997 में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का कला क्षेत्र का सबसे ऊंचा सम्मान नेशनल हेरिटेज फेलोशिप दिया गया। सरोद वादक अली अकबर खान का 88 वर्ष की उम्र में 2009 में अमेरिका में निधन हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रिम पंक्ति के कोविड कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। 2 से 3 महीनों में 1 लाख कोविड योद्धाओं को 6 विशेष कोर्स में प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार सभी को कोविड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने कहा 21 जून से टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाएगा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.03% हुई। लगातार 36वें दिन दैनिक स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से अधिक रही। देश में अब तक 26.89 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। झारखंड में कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट कई मरीजों में मिला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन तपेदिक मुक्त भारत 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सरकार का लक्ष्य 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। ईरान में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है
और जापान की नाओमी ओसाका इस वर्ष विंबलडन में नहीं खेलेंगी लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।